राज्यपाल कलराज मिश्र मंगलवार को ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए माउंट आबू पहुंचे। यहां वह एक सप्ताह राजभवन में प्रवास करेंगे। माउंट आबू पहुंचने पर राज्यपाल का जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भावभरा स्वागत करते हुए अगवानी की। राज्यपाल मिश्र दोपहर विमान से आबू रोड हवाई पट्टी पर पहुंचे। यहां पर विधायक सिरोही संयम लोडा, विधायक आबू पिंडवाड़ा समाराम गरासिया, रेवदर के विधायक जगसी राम कोहली, अध्यक्ष नगर पालिका आबू रोड मंगलदान चारण, जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, पुलिस आयुक्त जोस मोहन, कलेक्टर भगवती प्रसाद, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने उनकी अगवानी की। राज्यपाल ने बाद में अधिकारियों से औपचारिक बातचीत में कोरोना की स्थिति और बचाव के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से अपील की कि मास्क आवश्यक रूप से पहनें, दूरी बनाए रखें तथा स्वच्छता नियमों की पालना करें। उन्होंने निर्धारित आयु पात्रता के अंतर्गत सभी को वैक्सीन जरूर लगाने का आह्वान किया। इस बार में माउंट आबू जो राजभवन है वहां मैं आज जा रहा हूं और एक सप्ताह तक रहूंगा। एक महीने रहकर यहाँ से पूरे ऑफिस का भी काम लोग देखते थे जो कि हमारे महामहिम थे, और जो भी सारे आवश्यक कार्य का निस्तारण होता था फाइलों के माध्यम से वो यहीं से किया करते थे। एक महीना पूरा यहाँ रहते थे, लेकिन कई वर्षों से यहाँ कोई आ नहीं पाया था। मैं आया हूँ और एक सप्ताह का मैंने